हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ ब्रेड बनाने, तो चलते हैं ब्रेड बनाने। देखते हैं मैं कैसे बना रही हूँ ब्रेड। और ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है, तो आई विश कि ये अच्छा बन जाए, बट आई डोंट नो कैसा बनेगा। सो चलते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्टली ओवन से दिखाया और आपको कैसे बनाते हैं, क्या क्या डाला, सामान वो नहीं दिखाया, क्यों? आगे देखिए। ब्रेड मेकिंग, ब्रेड जल गया जबकि मैंने इसमें इतनी मेहनत करी थी, पूछो मत। ये है मेरा बाउल जो मैं सोच रही थी ब्रेड बनाने का, एंड यू नो ओवन में ये जल गया और ये बाउल भी टूट गया। इसको मैंने ऊपर से कितना खिरोच के कराए तब, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ एंड नहीं दिखा रही हूँ, वरना सबको भरोसा टूट जाएगा। सो आई एम सैड बिकॉज एक छोटा सा लुक देखा मैंने, ये ना सारी चीज़ें डाली थी बट उसमें 30 मिनट तक ओवन के अंदर डालना था और मैंने 30 मिनट तक रख दिया, और 30 मिनट के बाद जब मैं निकालने गई तो वो स्मेली सा था जलने का और यू नो जल गया। इससे पहले भी एक बार हुआ था, मैंने बिस्किट बनाया था एंड उसमें भी यही था कि बिस्किट को ना रखना था और कुछ टाइम दिया था कि इस टाइम पे रखना था, और अनफॉर्चुनेट उस टाइम भी वो जल गया था। तो यू नो दिस इज़ माय सेकंड टाइम जब मैं कुकीज़ एंड ब्रेड बनाने के लिए गई एंड वो जल गया था। सो सी नेक्स्ट टाइम पर मैं फिर से बनाऊंगी एंड आई विल ट्राई। यू नो सम टाइम ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में ही बन जाता है अच्छा। ओवन एक बार तो मेरा डब्बा ही जल गया था, और वो डब्बा जबकि ओवन के साथ ही आया था, ओवन प्रूफ, और तब उसका डब्बा नहीं, उसका कैप जो था ना वो जल गया था, और उसके बाद तो उसके अंदर का फूड खा ही नहीं सकते थे। सो और ये मैंने ब्रेड बनाया। वैसे मैं ओवन को मोस्टली ज़्यादातर चाय बनाने के लिए और कुछ चीज़ें गर्म करने के लिए यूज़ करती हूँ। आई नेवर कुक, हाँ समटाइम राइस वगैरह बना लेती हूँ जब मन नहीं होता है और इंस्टेंट खाने का मन होता है तो 8 मिनट में बन जाता है, तो इसलिए। अदरवाइज़ यू नो कुकीज़ वगैरह का ये मेरा सेकेंड ट्रायल था ब्रेड बनाने का, और मैंने थैंग और थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें डाली थी, बाकी मैंने उसमें डाला था वन बाय वन करके, मैंने सोचा था कि थोड़े थोड़े के बाद डालूंगी बट ये जल गया। तो सेकेंड टाइम पर मैंने क्या करा, कढ़ाई में डाल के पका दिया। तो सो दिस वाज नॉट अ गुड वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।